व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्ट 7 चैप्टर 4 एंड उसमें भी क्वेस्ट नंबर 2 का कम्प्लीशन। एंड मैं जो यहां पर पाथ चूज कर रहा हूं वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द इजीएस्ट पाथ होगा आपको स्पेसिफिकली ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट करने में, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो बेसिकली क्या कहते हैं मिस्टिक चैंपियंस के रिलेटेड है। अगर आपका काफ़ी अच्छा खासा मिस्टिक रोस्टर डेवलप्ड है, एटलीस्ट 3 से 4 मिस्टिक चैंपियंस है आपके पास अच्छे खासे 6 स्टार रैंक 2, या तो फिर एटलीस्ट अगर 1 6 स्टार रैंक 3 होगा तो भी आप काफ़ी ईजिली जो है इस पूरे के पूरे क्वेस्ट को जो है कंप्लीट कर पाओगे। सो इसके ऊपर नोट्स देखा जाए ना तो लिटरली 1 या 2 नोट्स जो है इन लोगों ने कैवेलियर इवेंट क्वेस्ट से उठा के यहाँ पर एक्ट 7 में रख दिए। एंड उसमें एक है, आपने नाम सुना होगा, जो कि आर्केंजील। वो क्या करता है, बेसिकली मिस्टिक चैंपियंस को प्रोवेस बफ देता है, एंड अगर आप अपोनेंट के ऊपर के बफ्स नलीफाई कर दो तो वो प्रोवेस जो है पैसिव हो जाता है एंड परमानेंट हो जाता है। मैक्सिमम 5 गेन कर सकते हो। पावर शील्ड 2.0 है, मतलब बेसिकली आपके नॉर्मल हिट्स जो है 90% लेस डैमेज करेंगे, एंड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम जो है 90% डैमेज सारा का सारा SP अटैक से आएगा। SP1, SP2, SP3 वो एक है, बट यहाँ पर SP3 के केस में ना एक थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पर एक SP3 देखना मैं लॉन्च करूँगा भी, बट फिर भी जो है कोई भी टाइप का डैमेज नहीं करेगा। एंड वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, मैं थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्यों, बट देखेंगे। एंड देन फिर टर्टलिंग है, एंड देन फिर है स्टैटिक डिफेंस एंड आर्मर ब्रेक इम्यूनिटी। बेसिकली अगर आप मतलब अपोनेंट के ऊपर आर्मर बफ आ जाता है अगर आप 6 सेकंड के लिए उसको हिट ना करो तो, एंड देन फिर आर्मर बफ होने के बाद अगर आप हिट करते हो तो आपके ऊपर चांस है कि शॉक डीबफ अप्लाई हो। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है शॉक इम्यून चैंपियन लाना, जस्ट कंटिन्यूसली हिट करते रहो, एंड अगर अपोनेंट को आर्मर बफ मिल जाता है तो जस्ट नलीफाई कर दो, एंड नलीफाई करने के बाद आपको जो है इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड बेसिकली अपोनेंट फिर आर्मर ब्रेक इम्यून है तो आप थोड़ा बहुत लेस डैमेज करोगे। अगर आप आर्मर ब्रेक अप्लाई करके डैमेज करने वाले थे तो वो थोड़ा बहुत देख लेना, उसके अलावा काफ़ी इजी फाइट है। एंड इस पूरे के पूरे पाथ में कंप्लीट करने के लिए ना आप लिटरली कोई भी टाइप के मिस्टिक चैंपियंस यूज़ कर सकते हो। आप बेसिकली हाई डैमेज डीलर वाले चैंपियंस जैसे कि ब्लैक विडो, क्लेयर वॉइंट, डॉक्टर डूम, यहाँ पर डियाब्लो भी काम कर सकता है, उसके पॉइजन डैमेज लिटरली काफ़ी सारा डैमेज कर सकते हैं। इवन देन फिर डॉक्टर वूड हो गया अपना, लेट्स सी आगे और कौन कौन से, मैजिक है, एंड देन फिर वो यहाँ पर लॉन्ग शॉट है, मैन थिंग भी यूज़फुल हो सकता है मैग्नेटो वाली फाइट में। एंड वो कैसे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ अभी, जस्ट इन केस यहाँ पर मैं देख लूँ और कौन कौन से चैंपियन हैं। सिम्बियोट सुप्रीम है, सोर्सरर सुप्रीम है, टाइग्रा भी यूज़ कर सकती हो सकती है। टाइग्रा मैं एक्चुअली मैं यूज़ करने के लिए सोच रहा था, बट वे मैंने फिर सोचा यार कि मेरे को टाइग्रा को वापस रैंकअप करना पड़ेगा बेकार में, एंड मैं अभी एटलीस्ट रेडी नहीं हूँ टाइग्रा को रैंकअप करने के लिए, एंड आपको दिखाने के लिए भी मैं इतना जो है कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि आपको दिखा पाऊँगा, तो इसी की वजह से मैं जैसे जो टाइग्रा नहीं लाया। बट या अगर आपके पास है एंड रैंक्ड अप है एंड आपको खेलना आता है तो डेफिनेटली आप ट्राई करके देखो 1 या 2 फाइट, ठीक है। इस पूरे के पूरे पाथ पे आपको ऐसे चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं कि जो लिटरली काफ़ी कम बफ्स हो, जिनको खुद के पास जैसे कि यहाँ पर रेड मैग्नेटो है, उसके पास काफ़ी कम बफ्स है, वो उसके पास एक्चुअली हो सकते हैं ज़्यादा बफ्स, बट वो इतना हैवी अटैक लॉन्च नहीं करेगा, एंड उसके उसको प्रोवेस बफ तभी मिलते हैं अगर उसका हैवी अटैक कनेक्ट होता है। एंड ऑफकोर्स हम लोग जानबूझ के हैवी अटैक तो खाने नहीं वाले, काफ़ी ऑब्वियस ही बात है, तो वो हमको नहीं करने हैं, तो उसके केस में ना फाइट बेकार में लंबी हो जाती है। देख सकते हो फर्स्ट वाली कॉस्मिक क्रुसेडर वाली फाइट तो अब तक ख़त्म ही हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पर मैं क्लेयर के साथ 1 या 2 जो है SP2 लॉन्च करने के बाद भी वो जिंदा है, एंड इतना डैमेज खाने के बाद भी वो सर्वाइव कर रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत अलग टाइप की चैंपियंस ले जाने पड़ सकते हैं, बट यह ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैजिक हो गया, मैजिक थोड़ा बहुत डैमेज कर सकती है, वो बेसिकली स्टन लॉक करके पैरी लॉक पावर लॉक करके अपोनेंट को कॉर्नर में उसको शट डाउन कर सकती है वहाँ पर। एंड देन फिर मैन थिंग इस वाले केस में काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैन थिंग खुद सामने से उसको बफ्स देगा यहाँ पर क्या कहते हैं रेड मैग्नेटो को, एंड वापस वो बफ्स जो है नलीफाई करेगा। एंड अगर आपको पता मालूम ना हो तो मैंने अपनी मास्टर्स के अंदर मिस्टिक डिस्पर्शन वाली मास्टरी लगा के रखी है, जिसकी वजह से आप अगर ध्यान से देखो कोई भी बफ जो है नलीफाई होता है अपोनेंट के ऊपर से तो मेरे को स्लाइटली पावर गेन जो है मिलती है, पैसिव पावर गेन है। एंड ये क्या करता है, मतलब बेसिकली आपको SP3 या तो फिर आपके स्पेशल अटैक्स लॉन्च करने में काफ़ी मदद करता है। अभी मिस्टिक डिस्पर्शन मास्टरी काफ़ी महंगी है अगर आपने अनलॉक नहीं की है, बट काफ़ी वर्थ इट भी है।
एंड ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिकली इस वाले पाथ के लिए कि भाई अगर आपके पास मिस्टिक डिस्पर्शन ना हो तो आप डैमेज नहीं कर पाओगे, लिटरली ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टिक डिस्पर्शन कितना मदद कर रहा है लिटरली बताओ, सिर्फ एक्स्ट्रा 10% मदद कर रहा है, बट आपको जो एक्चुअल में डैमेज करना है जो एक्स्ट्रा 90% जो है सारा का सारा एफर्ट आपको खुद को ही लगाना है, एंड आपके चैंपियंस आप कौन से यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर है। सर्सी वाली फाइट लिटरली देखते ही देखते ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि बेसिकली सर्सी इतने सारे बफ्स जो है ट्रिगर करती है, यहाँ पर देखना उसके रीजन बफ जो है वो ट्रिगर करती है एंड जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं उनके ड्यूरेशन, एंड जैसे जैसे ख़त्म होते हैं ना तो वैसे वैसे सिम्बियोट सुप्रीम को पावर गेन मिलती है। लिटरली मैं काफ़ी जल्दी से एस पी 3 पर भी पहुँच जाता हूँ, उसका जस्ट एक या दो एस पी अटैक जो है वेट करेंगे हम लोग। एस पी 3 लॉन्च करने के बाद क्या हो जाता है कि सिम्बियोट सुप्रीम के जो तीनों के तीन फेज़ है, जो भी अटैक फेज़ है, थोड़ा बहुत डिफेंस फेज़ है एंड क्या कहते हैं स्टैगर अप्लाई करने वाला फेज़ है तीनों के तीन, तो उस सारे के सारे फेज़ एक्टिवेट हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर मैं डैमेज करूँगा तो मेरे तीनों के तीन फेज़ वाले डैमेज का जो एक्चुअल क्या कहते हैं एबिलिटी है वो तीनों के तीन ट्रिगर हो जाती है। बेसिकली पावर ड्रेन है, एक आर्मर ब्रेक है एंड एक है वीकनेस डिबफ अप्लाई करने का एस पी 2 में स्पेसिफिकली, तो वो तीनों के तीन अप्लाई हो जाती है। बट देख सकते हो यार दो एस पी 2 एक के बाद एक जस्ट इनफ था उसके लिए। एंड देन फिर ये दो जो फाइट्स होंगी यहाँ पर देखो योंडू के साथ है, एंड देन फिर नेक्स्ट वाली है टेरेक्स के साथ। योंडू स्लाइटली अनोइंग है क्योंकि बेसिकली आपको ना इस वाले फाइट में अगर ब्लीड इम्यून चैंपियन नहीं है आपके पास तो मैं तो डेफिनेटली एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट रुक जाओ। अगर लिटरली कोई भी टाइप के आपके पास मिस्टिक चैंपियन नहीं है तो मैं बताऊँगा कि या गेन कर लो या तो फिर मिलने तक जो है रुक जाओ, क्योंकि इसके होगा होता क्या है ना कि योंडो ना आपके ब्लॉक के थ्रू भी आपको ब्लीड अप्लाई कर सकता है, एंड ये पता नहीं क्यों मतलब लिटरली काफ़ी अनोइंग फाइट है अगर आपके पास ब्लीड इम्यून चैंपियन नहीं है, एंड ब्लीड इम्यून चैंपियन होने के बाद भी फाइट थोड़ी बहुत जो है लंबी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली आप उसके पास इतने सारे बफ्स नहीं है कि आप जो है नलीफाई कर सको एंड उसका फ़ायदा उठा सको, तो वो एक चीज़ है। मैं डॉक्टर डूम इवन मैं 6-स्टार रैंक 3 वाला डॉक्टर डूम भी यूज़ करूँ ना फिर भी मेरी ऑलमोस्ट 50% हेल्थ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डैमेज में जाएगी, एंड ब्लॉक डैमेज से मेरे को जो भी ब्लीड मिलेगा उसकी वजह से जाएगी, एंड मैं डेफिनेटली वो यूज़ नहीं करना चाहता। एंड या काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बात कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो दो पोर्शन में मैंने इंक्लूड किया है, मतलब बेसिकली पाथ फाइट्स जो है कॉस्मिक गोस्ट राइडर से लेके लास्ट वाली जो एपोकलिप्स वाली फाइट है वो एक पोर्शन वाला वीडियो है, एंड देन फिर जो फाइनल बॉस फाइट है वो दूसरे पोर्शन वाली वीडियो, मतलब मैंने सेपरेटली उसको रिकॉर्ड किया था। एंड वो इसलिए किया था क्योंकि भी सबसे पहला वाला जो रिकॉर्डिंग था उसमें मैं लिटरली मार खा के काफ़ी जल्दी से मर जाता हूँ, मेरे दोनों के दोनों चैंपियंस जो है मर जाते हैं, एंड मेरे को ऐसा लगा आई मीन पाथ तो मतलब रास्ता तो जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया है पहले से ही, अपोकलिप्स को भी डिफीट कर लिया। मैं सोचा यार कि मैं वापस रिवाइव यूज़ करने वाला तो था नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सेबर टूथ वाले बॉस को जो भी हम लोग डिफीट करेंगे तो उस वाले बॉस को मैं डेफिनेटली सोलो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया फिर वापस एक और बार रिकॉर्ड किया, फर्स्ट वाला पोर्शन पूरा का पूरा हटा दिया, फर्स्ट वाला जो है मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया जो कि था एपोकलिप्स वाली तक जो भी फाइट्स थी वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड नहीं की, एंड देन फिर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले पोर्शन में बॉस फाइट ही रिकॉर्ड की। अभी उसकी वजह से टीम में सिर्फ एक ही चैंपियन मैंने चेंज किया, उसके अलावा लिटरली टीम वो की वो ही है, लिटरली कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं है। एक वाले पोर्शन में अनालिस था, दूसरे वाले पोर्शन में अनालिस नहीं है, जस्ट वही चीज़ें, उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें सेम है। तो मतलब ऐसा मत समझना कि भाई फर्स्ट वाला पोर्शन एकदम से ही अलग था एंड सेकेंड वाला पोर्शन भी एकदम से अलग है तो आप जो है उसको थोड़ा बहुत जो है कनेक्ट ना कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वैसे भी आपको एक चैंपियन स्वॉप करने का ऑप्शन मिलता भी है बॉस फाइट से स्टार्ट होने से पहले, तो जस्ट मैंने वो चीज़ पहले से ही करके रखी थी वैसा समझ लेना, ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड देन फिर नेक्स्ट वाले जो टेरेक्स फाइट है वो अगर आपको मालूम ना हो कैसे खेलनी है कैसे नहीं तो जस्ट मेक श्योर करो कि टेरेक्स को आप पावर ड्रेन तभी कर पाओगे अगर आप जो है हैशटैग मेटल नहीं हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल चैंपियन हो तो आप पावर ड्रेन कर पाओगे आपकी जो भी एबिलिटी है, एंड अगर आप डॉक्टर डूम जो है वो हैशटैग मेटल में आता है बट वो टेरेक्स की पावर मीटर को छेड़खानी नहीं कर सकता, जो भी हैशटैग वाले हैशटैग मेटल वाले चैंपियंस रहेंगे वो लोग। उसके अलावा कोई भी टाइप के आप चैंपियन यूज़ कर लो, आप जो है इस पूरी की पूरी फाइट को फिनिश कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली कैसे फाइट कंप्लीट करता हूँ, मैं जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है मैं पैरी करता हूँ एंड उसका जो रॉक शील्ड वाला ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है मैं अपने एस पी 3 पे रश करता हूँ कि मैं जितने जल्दी हो सके मैं अपने एस पी 3 पे पहुँचने की ट्राई करूँगा। फिर वो इन द मीन टाइम जितने भी वो स्पेशल अटैक लॉन्च करे जितने भी रॉक शील्ड लॉन्च करे वो करने दो, क्योंकि जैसे मैं एस पी 3 पे पहुँचूँगा मेरे तीनों के तीन फेज़ एक्टिवेट हो जाएंगे
उसके बाद मैं अपना SP2 में लॉन्च करूँ तो पावर ड्रेन भी होगा टेरेक्स, साथ ही साथ वीकनेस डीबफ भी अप्लाई होंगे एंड साथ ही साथ काफ़ी सारा स्टैगर भी अप्लाई होगा। जस्ट इन केस अगर उसके पास काफ़ी सारे बफ्स भी होते हैं तो मेरे को इतनी दिक्कत आएगी नहीं है। लिटरली मैं देखो 10-15% हेल्थ से भी कम हेल्थ में जो है खेलने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड मेरा जो फर्स्ट वाला रन था, ये ऑफकोर्स फर्स्ट वाला जो रन है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, फाइट जो है सोलो कर लेता हूँ। बट सेकेंड वाला जो मैं बता रहा था कि सेकेंड वाले पोर्शन में भी ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था मैं, तो ये काफ़ी अनोइंग बात है कि आपको ऐसे चैंपियंस यूज़ करने पड़ेंगे जो हैशटैग मेटल में ना हो। तो या टेरेक्स को डिफीट करने के लिए आप जैसे कि मैंने सिम्बियोट सुप्रीम यूज़ किया, आप सोर्सर सुप्रीम भी यूज़ कर सकते हो, मैजिक भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन फिर यहाँ पर आप अपना दूसरा कौन कौन सा बताऊँ, लेट मी सी, यहाँ पर ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंड वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके पॉइजन वाले कर्स में जाओ तो आप उसका SP2 की मदद से आप उसको पावर ड्रेन कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखना फिर स्टार्टिंग में जो भी क्या कहते हैं कॉस्मिक गोस्टाइटर के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी इस वाले केस में काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बेसिकली मैं डॉक्टर डूम के साथ जो भी SP3 लॉन्च कर रहा हूँ ना तो मैं स्किप SP3 वाला बटन दबा दे रहा हूँ। अभी मेरे को जिस टाइम पर मैं खेल रहा था ना तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, या तो फिर क्यों मैंने उतना उसको ध्यान में नहीं दिया। एंड बेसिकली हो क्या रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेसिकली SP3 का स्किप बटन दबा रहा था एंड उसी की वजह से कम डैमेज हो रहा है। एंड देन फिर मैंने बाहर निकल के नोट, जैसे ही फाइट सारा का सारा रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, ख़त्म होने के बाद मैंने बाहर निकल के नोट्स वापस देखे तो नोट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जिसकी वजह से मैं लिटरली जीरो डैमेज करूँगा, क्योंकि SP3 जीरो डैमेज करना ये मेरे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं, पहले मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं SP3 का एनिमेशन रन नहीं होने दे रहा हूँ तो उसी की वजह से हो रहा, बट देखना ये पहला SP3 है एंड ये फर्स्ट वाला SP3 जो है लिटरली जीरो डैमेज लिखा हुआ भी आता है। मैं स्किप करता हूँ जीरो डैमेज, अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है क्यों नहीं, बट या हो रहा है तो हमको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वापस डॉक्टर डूम की साइकिल परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे एंड सेकेंड वाला SP3 जो है उस वाले केस में भी मैं लिटरली जीरो डैमेज करूँगा। एंड देन फिर आधी फाइट ऑलमोस्ट मेरी जो है SP3 डैमेज करने में ही चली जाती है एंड मेरा सारा का सारा ध्यान फिर SP3 के ऊपर चला जाता है कि भाई मैं क्यों डैमेज नहीं कर पा रहा, या तो फिर मेरा SP3 क्यों नहीं इतना ये कर रहा वो कर रहा, तो वो एक चीज़ है एंड उसी की वजह से फ़ाइट लंबी हो जाती है। अगर मैं डायरेक्टली SP2 का डैमेज के लिए जाता तो फाइट अब तक कब की ख़त्म हो जाती। ये वाला होगा मेरा सेकेंड SP2 आई गेस, सेकेंड SP3 सॉरी। तो ये इस वाला, ये वाला डैमेज करूँगा एंड ये वाला आई गेस मैं परफॉर्म होने देता हूँ एनिमेशन, बट देखना पूरा का पूरा एनिमेशन परफॉर्म होने देने के बाद भी मैं लिटरली जीरो डैमेज करूँगा, पता नहीं क्यों। अभी शायद नोड के वर्डिंग्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैंने दूसरे लोगों के वीडियोस भी देखे जिन लोगों ने स्पेसिफिकली सेम टू सेम पाथ यूज़ किया, उन लोगों के SP3 ने तो डैमेज किया था भाई अच्छा खासा। अभी मेरे केस में क्यों नहीं हो रहा है, तो या देख सकते हो कोई भी टाइप का डैमेज नहीं है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, अभी मेरे नॉर्मल हिट करते करते भी सीधा SP3 पर पहुँच गया था तो दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं SP3 यूज़ करने के अलावा, क्योंकि मैं खुद अपनी पावर ड्रेन तो कर नहीं सकता कि भाई SP3 से हट के SP2 पर चले जाओ। तो या एक और SP3 हम लोग लॉन्च करेंगे, अगर ये तीनों के तीन SP3 हटा दो ना तो उसके बाद इस पॉइंट के बाद जो भी फाइट होगी वो एक्चुअल फ़ाइट होनी चाहिए थी एंड वही होती फाइट अगर मैं डायरेक्टली SP2 के डैमेज के लिए जाता। इवन अगर आप अपोकलिस को इंसिडेंट इम्यून एक टाइम पे बना दोगे, क्योंकि वो बेसिकली इम्यूनिटी गेन कर लेता है अगर वो काफ़ी लंबे समय से हो वो डीबफ के अंडर, तो वो एक चीज़ है। बट मेरा देखो SP2 काफ़ी सारा डैमेज कर रहा है, इवन 58,000 जितना डैमेज था एक कहीं पर देखा मैंने, तो वो एक है। बट या देख सकते हो मेरा एक SP2 काफ़ी सारा डैमेज कर रहा है, अगर वही चीज़ मैं स्टार्टिंग से कर लेता तो फाइट लिटरली 10 से 30 सेकंड तक की फ़ाइट होती। अभी क्या ही कर सकते, अभी जो हो चुका है वो हो चुका है। तो मेरे को वही लगा कि यार मतलब पता नहीं क्यों अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद आपको मालूम हो तो आप मेरे को बता सकते हो एंड डेफिनेटली ये बताना कि आपके केस में ये हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है एंड वो सारी चीज़ें जो है बता सकते हो। सो यार जैसे कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बता रहा था ये वाले इस वाली फाइट तक जो है वो फर्स्ट वाला पोर्शन था एंड देन फिर जो बॉस वाली फाइट हम लोग देखेंगे वो एकदम टोटली जो है सेकेंड पोर्शन है। सिर्फ एक ही चैंपियन जो है मैंने चेंज किया है, जो कि मैंने बताया था कि इस वाली टीम में फर्स्ट वाले पोर्शन में एक अनाइलस था, इस वाले केस में अनाइलस को अटैक है, सिर्फ मैंने ये कर लिया क्या कहते हैं मैंने गार्डियन को लेके आया, क्योंकि बेसिकली वो मेरे को ये देगा ब्लॉक प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देगा जिससे करके मैं ब्लॉक डैमेज कम लूँगा।
तो यहाँ पर जो सेबर टूथ है उसको दो चीज़ें आपको काउंटर करनी है। सबसे पहली चीज़, एंड ये जो एंड्रेनोक्रोम नोड जो भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेबर टूथ के पास काफ़ी सारे अटैक वैल्यू मिलेगी, लिटरली 1000% जितनी अटैक वैल्यू मिलेगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि ना, अगर आप एक या दो ब्लॉक डैमेज भी लो तो काफ़ी सारा डैमेज लेना पड़ सकता है। तो एक वो चीज़ है। एंड आप उसको कैसे हटा सकते हो, बेसिकली आप जितने ज़्यादा डीबफ्स अप्लाई करोगे तो उतनी ही जल्दी से वो फ्यूरी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहली बात कि आप जितने ज़्यादा डीबफ्स अप्लाई करो उतना अच्छा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको उसकी हीलिंग कम कर देनी है, हीलिंग कम करनी है या तो फिर हीलिंग रोक देनी है। उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली इनडोमिटेबल वाला नोड है, एंड देन फिर स्पेशल बायस है, मतलब कि काफ़ी जल्दी से वो एसपी अटैक लॉन्च कर देगा जैसे ही उसको चांस मिले। एंड वो डेफिनेटली ट्राई करना कि अगर उसके पास पावर मीटर हो तो इंटरसेप्ट करने की ट्राई मत करना, क्योंकि मैंने एक या दो बार इंटरसेप्ट करने की ट्राई करी बट वो तुरंत ही अपना एसपी अटैक लॉन्च कर रहा था। तो वो एक चीज़ है। इम्यून टू ब्लीड है, मतलब बेसिकली आप ब्लीड अप्लाई करने वाले चैंपियंस यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली डॉक्टर डूम, सॉरी डॉक्टर डूम क्या, निक फ्यूरी यूज़ नहीं कर सकते, एंड स्पेसिफिकली आर्क एंजल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लीड इम्यून रहेगा, तो ना ही आप पॉइजन अप्लाई कर सकते हो, एंड बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वैसे वाले चैंपियंस के अलावा लिटरली कोई भी चैंपियन जो है आप यूज़ करोगे एंड जो भी डैमेज करोगे आप लिटरली डैमेज कर सकते हो। अपोकलिप्स है तो वो भी काम करेगा, इवन वॉइड भी काम कर सकता है। तो जस्ट आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीबफ्स अप्लाई करना है, एंड देन फिर उसकी हीलिंग देखनी है। एंड देन फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, तो जस्ट उसको अग्रेसिवनेस है। अगर आपको काफ़ी टाइम से खेलते हो सेबर टूथ को, सेबर टूथ की एआई आपको मालूम है कि वही कितना अग्रेसिव है कितना नहीं, एक डैश अटैक में वो कितने कंटिन्यूस अटैक्स यूज़ करता है कितना नहीं, अगर वो आपको मालूम हो थोड़ा बहुत तो काफ़ी जल्दी से आप जो है उसको फिनिश कर सकते हो। एंड लास्ट फिर एक और नोड है कि पावरफुल है, बेसिकली आप उसको पावर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसकी पावर मीटर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ है, काफ़ी सिंपल है, फाइट जस्ट लंबी हो सकती है। मैंने अपने केस में जो है निमरॉड यूज़ किया क्योंकि वो बेसिकली म्यूटेंट चैंपियंस एंड स्पेसिफिकली ऐसे चैंपियंस जो काफ़ी सारा हीलिंग बफ ट्रिगर करते हो, पैसी हो बफ हो कोई भी इशू नहीं है। एंड साथ ही साथ प्रोवेस वाले चैंपियंस जो प्रोवेस बफ ट्रिगर करते हो या तो फिर प्रोवेस पैसिव ट्रिगर करते हो, इन दोनों को जो है वो नलीफाई करके, जो है नलीफाई तो नहीं करता मतलब हटा के शॉक डिबफ अप्लाई करता है। अभी जितना ज़्यादा शॉक डिबफ अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा वो डैमेज लेगा, एंड बेसिकली वो कोई भी टाइप की हीलिंग कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जैसे ही बफ्स आता है मैं सारे के सारे बफ जो है हटा देता हूँ उसके ऊपर से। एंड ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप वॉरलॉक भी यूज़ कर सकते हो, जो भी हो सके हील ब्लॉक वाले चैंपियन सारे के सारे यूज़ कर सकते हो। सो या ऐसे करके हमने ये वाला बॉस भी जो है डिफीट कर लिया, एंड होपफुली आप भी है काफ़ी जल्दी से जो है इजीली डिफीट कर सको। सो इतना सा था ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।